फ्रेंड, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने एक हाफ पॉइंट से, अगर आप हाफ पॉइंट से जैसे देखिए मेरे पीछे ये हाफ पॉइंट लगा हुआ है, स्विच सॉकेट लगा हुआ है, अगर आपने यहाँ से कनेक्शन लेना है, एक दूसरा बोर्ड और लगाना है, जैसे कि हम एक ये बोर्ड लगाएंगे यहाँ पर, तो इस बोर्ड के ये दो स्विच दो सॉकेट का कनेक्शन है, इसमें कनेक्शन कैसे करना है और हमने वहाँ से लाइन कैसे लेनी है ताकि जब हमारा वो स्विच बंद भी रहे तो हमारा ये बोर्ड डायरेक्ट काम करे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड जैसे ये देखिए यहाँ पर दो स्विच हैं, हम इसमें एक स्विच इसमें हम पहले फेस लेंगे, तो हमने इसमें फेस का कनेक्शन कर लिया है और फेस के लिए लूप यहाँ से ले लिया है। इस लूप को हम इस वाले टर्मिनल हम अपने स्विच में दे देंगे, तो इसको देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे कि हमने दोस्तों ये फेस इसमें हम फेस के लाइन देंगे, एक पूरा हमारा वायर का ले लिया है नाप के, वो यहाँ फेस दे दिया, यहाँ से फेस हमने यहाँ डाल दिया। अब हम देंगे इस बोर्ड को न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल हम यहाँ देंगे और यहाँ से न्यूट्रल को यहाँ पर एक लूप दे देंगे। अभी देखिए हमने इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है, डायरेक्ट न्यूट्रल हमारा यहाँ पर आया है, ठीक। यहाँ से हमने एक लूप लिया है और लूप इस वाले इधर में दे दिया। अब हमारा यहाँ भी न्यूट्रल है, यहाँ भी न्यूट्रल है, फेस हमारे स्विच में आ चुका है, ठीक है। तो अब हमने अपने सॉकेट को, सॉरी हमने वायर गलत लगा दी, ये वायर यहाँ लगनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, इस वायर को हम यहाँ करेंगे और उसके से सॉकेट का स्विच का कनेक्शन हम सॉकेट में देंगे। ये करके आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों अभी हमने ये बोर्ड की वायरिंग पूरी कर दी है। देखिए जैसे कि शुरू से बताता हूँ, ये फेस हमारा इसमें आया जिसमें हमारा टेस्टर चलता है, ठीक है, यहाँ से उठा दूसरे वाले में आया, ठीक, और यहीं हमारे दो जो तारे हैं, दो में से एक तार हमारी मेन हो गई, ठीक है। सारे तारे काले रंग की हैं तो हमने ये इसमें तीन निशान लगा लिए फेस में, ठीक है। उसके बाद से हमारा आया दोस्तों न्यूट्रल, न्यूट्रल मेन यहाँ पर आया, यहीं से उठ गया हमारा दूसरे वाले में लग गया, और न्यूट्रल को दोस्तों हमने छील लिया है, ठीक है, न्यूट्रल हमने छील लिया है। और दोस्तों ये हमारा अर्थिंग का वायर, ठीक है, अर्थिंग का मेन यहाँ पर आया और यहीं से हमारा उठ के यहाँ चले गया, और अर्थिंग वाले को हमने नहीं छीला है ताकि उनको पता रहेगा। कुल मिला के एक ही कलर के तार है तो न्यूट्रल हमने छील रखा है। निशान किस तरीके से लगाने हैं, देखिए जैसे न्यूट्रल मैंने छील दिया है, फेस में मैंने तीन कट के निशान लगा रखे हैं और अर्थिंग को मैंने क्लियर छोड़ दिया है, ठीक है, उसको मैंने छीला भी नहीं है और निशान भी नहीं लगाया है, जिससे हमें पता रहेगा कनेक्शन के वक्त कि कौन सा तार हमारा कौन सा है। अब इसको जोड़ लेता हूँ मैं और कनेक्शन करते हुए आपको दिखाता हूँ कि आपने मेन में कनेक्शन कैसे करने हैं, ताकि जो हमारा वो स्विच बोर्ड हमारा जो हमारा स्विच बोर्ड इसके पीछे लगा हुआ है, इस स्विच बोर्ड से हम कनेक्शन देंगे, ठीक है। फ्रेंड देखिए जैसे कि हमने बोर्ड खोल दिया है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ तो देखिए कलर कोड से पड़ा है हमारा, कभी भी क्या होता है कि हमारी लाइन उल्टी सुलटी होती है तो पहले हम टेस्ट लगा के चेक कर लेंगे, इसमें हमारा स्विच में फेस होना चाहिए, स्विच में हमारा फेस है, ओके। तो ये न्यूट्रल है और ये अर्थ है, और सेम ऐसी हम नीचे की वायरिंग को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए जैसे कि हमने कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है, ये ब्लैक वाला है हमारा यहाँ न्यूट्रल में था, ये अर्थिंग का और ये फेस का, ओके। अब हम नीचे देखते हैं इसके जो स्विच बोर्ड के इंडिकेटर हैं वो ऑन हो गए होंगे, ये देखिए ये हमारे ऑन हो गए क्योंकि ये डायरेक्ट है। तो फ्रेंड ऐसे आपने इसे कनेक्शन करने हैं और बहुत सरल है कनेक्शन करना।